तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम जाएंगे मेला देखने के लिए। मेरे भांजा और भांजी दोनों आए हुए हैं और उनके साथ आज जाएंगे मेला देखने। तो मैं आपको वहां का रेट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, आप भी अपने बच्चों को वहां पे लेके जा सकते हैं। अभी जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है यहाँ शालीमार बाग में। तो बाकी मैं आपको पूरा एड्रेस वगैरह सारा मैं बता दूंगा। तो चलो चल के देखते हैं कैसा क्या वहाँ का सिस्टम है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मेले में और यहाँ से मेले की एंट्री स्टार्ट होती है। और गाइस जैसे ही हम एंट्री देते हैं, स्टार्टिंग में हमें मिलती है पार्किंग। बाइक की पार्किंग अलग है और गाड़ी की पार्किंग अलग है। और सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और गाइस यहाँ पे एंट्री लेने से पहले हमें एक टिकट कटवानी पड़ती है, 20 रुपये पर हेड यहाँ पे टिकट है। और ये सामने देख रहे हैं, यहाँ से हम काउंटर से टिकट ले सकते हैं। और ये मैंने टिकट ले ली है उत्सव मेला। और स्टार्टिंग में गणेश भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, तो जय गणपति महाराज की जय हो। और अभी मेला स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, बहुत बड़े बड़े झूले वगैरह सब लगे हुए हैं। आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे लाके बहुत सारी राइड्स करवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पान वगैरह की दुकानें, बड़े बड़े झूले। और गाइस ये देखो यहाँ पे भूत बंगला भी बना रखा है, जिसकी टिकट मात्र 70 रुपये है। जिसको थोड़ा सा स्केरी चीज़ों में मज़ा आता है, डरावनी चीज़ों में, तो यहाँ का लुक उठा सकता है। और गाइस सेकंड नंबर पे आती है ये ट्रेन टाइप में, ड्रैगन ट्रेन सी होती है जो चलती है। इसकी टिकट मात्र 100 रुपये है। उसमें अपने बच्चों को राइड कराओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये मेरे भांजे भांजे आए हुए थे तो हमने इनको भी यहाँ पर राइड कराई। तो ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया यहाँ से ये चलती है ट्रेन। ये बैठे हैं इशू वगैरह, ये सारे मेरे बांधे बांधे बैठे हुए थे ये जो गए अभी। और गाय छोटे बच्चों के लिए ये देखो, ये छोटे प्यारे प्यारे ये छोटी सी गाड़ियों के झूले भी बनाए हुए हैं। ये राइड्स बहुत अच्छी हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी राइड्स हैं ये। ये देखो ये छोटी सी मेरी बांजी है, इसको हमने राइड कराई यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। पूरे पूरी राइड पे ये लाइटिंग लगा रखे हैं लोगों ने, जो और भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। ₹20 पर हेड तो है, लेकिन मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि यहाँ पे ज़्यादा वैसे वो नहीं है कि लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो या बहुत प्यार से। और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्रेफरेंस है यहाँ पे, आप अपने बच्चों को जन्माष्टमी पे ला के राइड्स करा सकते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, ना फालतू की भीड़ है ना भाड़ है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। ₹20 पर हेड ले तो रहे हैं, लेकिन उससे
बढ़िया ये मैनेजमेंट भी दे रहे हो, यहाँ पे भक्तमाल कथा भी चली हुई है, छोटे छोटे बच्चे परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, जिसके बच्चे थोड़ा परफॉर्मेंस वगैरह कर सकते हैं, तो आप उन अपने बच्चों को ला के यहाँ पे परफॉर्मेंस भी करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल है और खाने के लिए भी चीज़ें हैं यहाँ पे सामने, ये देख सकते हैं श्री जी केटर्स के नाम से ये स्टॉल लगी हुई है, तो आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, बैठने के लिए टेबल्स वगैरह की फुल सुविधा है। तो बहुत ही मतलब मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा, ना ज़्यादा भीड़ है, साफ़ सुथरा खाना वगैरह हर चीज़ है। ये हमने यहाँ पे पाव भाजी ले ली है खाने के लिए, और अभी बच्चों को भी खिलाएंगे पाव भाजी। तो चलते हैं, और ये यहाँ पे मिक्की माउस, हमारे टाइम पे इसको मिक्की माउस बोलते थे, तो ये मिक्की माउस भी है यहाँ पे, और इसमें बच्चों को, ये मेरे भांजे भांजे खेल रहे हैं, तो इनको यहाँ पे लेके आए हैं, तो अभी ये फुल मस्ती कर रहे हैं अपने। और गाइस ये है मेरी सबसे छोटी भांजी, इसको देखो ये भी कितना लुत्फ उठा रही है फ्री में, क्योंकि इसकी टिकट वगैरह नहीं लगी, बच्चों की लगी थी, 70 रुपये पर हेड इसका भी रेंट है, लेकिन इसकी छोटे वाली है, इसकी टिकट नहीं लगी, और ये सबसे बढ़िया मज़ा उठा रही है, पूरा इंजॉय कर रही है, पूरे कूद कूद के, ये देखो आप फुल मस्ती भाई। तो छोटे बच्चों को भी ये है यहाँ पे अच्छा है। और गाइस इस मेले की सबसे खतरनाक राइड यही है, मेरे को तो यही लगी सबसे खतरनाक राइड, आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं, 100 रुपये प्रति हेड ये राइड है, आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक राइड है भाई। मैंने तो किया नहीं इसको, क्योंकि मेरे को तो खैर राइड वगैरह मैं करता ही नहीं हूँ। और गाइस ये तरुण भाई आ चुके हैं, ये कह रहे हैं कि शूटिंग करूँगा, तो अभी देख सकते हैं गुब्बारे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तरुण भाई, लेकिन मना कर देगी नहीं। और गाइस ये है गेम, इस गेम में क्या होता है, एक रिंग को फेंकना पड़ता है, उस रिंग को जिस भी आइटम में डालोगे वही आइटम आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप इसका भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आइटम रखे हुए हैं इनके। और भाई अड़ा मेले में आ रहे थे, एक तरुण भाई आ गया है, और ये मेरे जीजा जी हैं, ये आए हुए हैं, तो अभी ट्राई करेंगे दुम्मे वाला बिस्कुट, तो खा के देखेंगे दुम्मे वाले बिस्कुट। ये देखो भाई कितने रुपये का भाई, 50 रुपये का एक गिलास है, लोगे बना दे गिलास बना भाई ट्राई, कौन सा लोगे बताओ। ये तरुण भाई है, ये भी ट्राई कर रहे हैं, नाका मगर डूबा काट गया वो, इतने बाद चपक गया था, ये चपका था है ये भीतर। हाँ, और
और गाइस अभी हम सोच रहे हैं कि एक टर्किश आइसक्रीम आगे देखेंगे, वो जो टर्किश आइसक्रीम चल रही है ना हमारी, उन भाई खाओ आगे भाई। रंगीला पान सेंटर भाई, तरुण भाई थी पान तैयार कर दिया भाई ने, अरे तरुण भाई ने ले लिया फायर पान। किसा लगा भाई खाने में पान, एक नंबर, मुंह तो नहीं चढ़ गया। तो गए जब भी जा रहे हैं सारे घर पे, क्योंकि फुल एंजॉय करके अभी रात के बज गए हैं, 11:30 का टाइम हो गया, तो अभी घर चलने का समय हो गया, तो जा रहे हैं सारे घर पे। तो गए आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं, इसका एड्रेस है शालीमार बाग क्लब रोड। और गए जी, जिसको ये वीडियो पसंद आई हो सारे भाई वीडियोज को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और गए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।